मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, हमने तो कभी सूरत में पत्थर नहीं चलाया तजिया पर। सूरत में बीती रात गणेश पंडाल पर पथराव की घटना हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पत्थरबाज भी कांप रहे हैं। ऐसा तगड़ा इलाज हुआ कि आरोपी ऐसा कांड करना तो दूर की बात, सोचेंगे भी नहीं। इसे कहते हैं पक्का और अच्छा इलाज, योगी वाला इलाज भी कह सकते हैं। दरअसल सूरत शहर में पुलिस ने पत्थरबाजी वाले मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस घटना में कुल 3 FIR दर्ज की। तो वहीं दूसरी ओर सूरत में जिस जगह पर बवाल हुआ था, वहां पर अब बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया गया। उस इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। सुबह से आप देखें तो इस जगह पे कल पत्थर मारा हुआ था, पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर दिया था रात से। माहौल शांतिपूर्ण है, बंदोबस्त लगा दिया था। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बंदोबस्त के लिए, जो खास करके इस तरह की घटनाओं में अपनी कामगिरी उसके लिए ट्रेंड होते हैं, उस तरह के सारे जवान यहाँ मौजूद हैं। व्हीकल्स जो एंटी राइडिंग गियर्स इक्विपमेंट्स, वज्र वाहन, एंटी राइड व्हीकल्स और दूसरे प्रिजन वाहन वगैरह यहाँ को डिप्लॉय करके पूरे एरिया को हमने डोमिनेट भी किया है। पूरे एरिया में हमने शांति का माहौल भी बनाए रखा है और अभी आप देख सकते हैं कि काफी आसानी से लोग यहाँ पे आवन जावन कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी लोग आवन जावन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी खुली हुई है और रोजाना जो कामकाज होता है उसी तरह का यहाँ माहौल है। अभी आप देख सकते हैं पीछे की ओर के जो सैयदपुरा चौकी है, जहाँ उसके पीछे जिस जगह गैर कानूनी तौर पर एनक्रोचमेंट किया गया है, उस एनक्रोचमेंट जो SMC की खुद की जगह पे हुआ था, उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए SMC ने जगह आइडेंटिफाई की थी, उसके ऊपर कार्यवाही की गई है और उसके साथ पुलिस प्रशासन ने उनको प्रॉपर बंदोबस्त दिया है। इसके अलावा आसपास की जहां एरिया के जहां पे गैरकानूनी तौर पे लोगों ने लारी या गल्ले लगा रखे थे, उनको भी उठाया गया है और इस तरह इलाके के ऊपर एक अलग से कार्यवाही की। आपको बता दें कि बीती रात सूरत के सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना सामने आने के बाद बड़ी संख्या में विरोध स्वरूप लोग जमा हो गए थे और भीड़ ने मोदी और योगी के नारे लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सूरत पुलिस ने एक्शन शुरू किया था। दरअसल रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात पुलिस ने घर का ताला तोड़कर पथराव करने वालों को हिरासत में लिया, घरों से खींच कर लेकर आई और थाने में जमा करा दिया। इसके बाद आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस की मौजूदगी में सुबह की आरती भी की गई। इलाके में करीब 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं शहर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के अनुसार अब तक इस मामले में कुल 28 लोगों को डिटेन किया गया है। इस घटना में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। गहलोत ने बताया कि कमांड और कंट्रोल CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। जुवेनाइल एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 189 और 192 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने ये भी बताया कि पुलिस चौकी और पुलिस वालों पर पथराव हुआ है, पुलिस इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। गहलोत ने पुलिस पर पत्थरबाजी की पुष्टि की है। भिक्षा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे, उनको लेके जो है वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पर लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और भी बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजवाद करने वालों का भी वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए और उसके अलावा जो साथों साथ चूंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और थोड़ा को वहां से बिखेरा और साथों साथ पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे मिल गई जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और उतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए
उन्हीं घरों के वहीं से हम लोग कॉम्बी के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। चार चार पांच पांच स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी जो सही आरोपी जो पत्थर मारने वाले वो पकड़े हैं, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल तीन वहां पे लालगेट पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला FIR जो दाखिल किया गया वो जो इन छह जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया, जिन्होंने जो है वहां पे पत्थर मारा जो मंडप पे, और उसमें जो BNS के सेक्शन है 1891, 1892, 190 जिसमें राइटिंग के साथ जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कृत्य करने के कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें इन टोड़ा के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया, जिसमें टोड़ा ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने तो कभी सूरत में पत्थर नहीं चलाया, तजिया पर देश के किसी कोने पे नहीं चलाया। आखिर क्या ये पाकिस्तान है जो गणेश उत्सव पर मनाही, ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है, क्या ये टूल कीट के पीछे कांग्रेस का हाथ है? फिलहाल गुजरात के सूरत में योगी वाला एक्शन हो गया, जिसके बाद आरोपी थर थर कांप रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पत्थरबाजों का तो इलाज पक्का हो गया। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।